क्यों? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूँ। फिर से मेरी अदालत में पेशियां हैं। निकलने से पहले दो बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले ISPR ने बयान दिया है कि इदारे की तौहीन कर दी, फौज की तौहीन कर दी, कि एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जो जिसने दो दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। ISPR साहब, जरा मेरी गौर से बात सुनो। इज्जत सिर्फ एक इदारे के नहीं है, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं, 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने दो दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की, और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था, और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी कौम, सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है वो कौन है। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना FIR नहीं कटवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती, FIR इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती, अगर ये बेकसूर था सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन FIR में इसका नाम नहीं दे सके। उसके बाद पंजाब की हुकूमत की JIT, दो पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने इसके कहने पे रिकॉर्ड किया था उसकी स्टेटमेंट्स नवीद शूटर की, हम दो ऑफिसर जो रिकॉर्ड किए थे, पंजाब के पुलिस ऑफिसर DPO गुजरात और CCPO CTD, उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया। कौन था पीछे, कौन इतना ताकतवर था? उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन, जी हाँ, इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ ऐसा ही हुआ है इमरान खान के साथ। इमरान खान पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, और पाकिस्तानी रेंजर्स इमरान खान को अरेस्ट करके इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लेके जा रहे हैं। इसके विरोध में पाकिस्तान की जनता ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट का फैसला किया है। जगह जगह आह्वान किए जा रहे हैं कि इस अरेस्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया जाए। प्रदर्शनों को देखते हुए पाकिस्तान के लिए ये इतना आसान भी नहीं था कि इमरान खान को गिरफ्तार इजीली कर पाएं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए यह बिल्कुल भी नया नहीं है, यह बहुत ही सामान्य बात है। पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है। जिस कार से इमरान खान को लेकर जा रहे हैं उसे चारों ओर से सिक्योरिटी पर्सोनल्स ने घेरा हुआ है। पाकिस्तान की एंटी करप्शन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इमरान खान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। अल कादर ट्रस्ट के सिलसिले में हुए भ्रष्टाचार के संदर्भ में अरेस्ट वारंट जारी किया है। सत्ता से बेदखल करने के बाद इमरान खान के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगा दिए गए हैं, लेकिन इमरान खान ने इन सभी का विरोध करते हुए कहा है कि ये सब राजनीतिक द्वेष के कारण लगाए गए हैं और सत्यता से परे हैं। इमरान खान के लॉयर्स ने बताया कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने इमरान खान को अरेस्ट करते समय उनके सिर में जोरदार चोट दी और उन्हें लात मारी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने दरवाजा तोड़ दिया और खिड़की से जबरदस्ती अंदर घुस गए। पाकिस्तानी रेंजर्स ने इमरान खान को व्हीलचेयर से उठा लिया और इमरान खान के सिर पर जोरदार प्रहार किया और उन्हें लात मारी। ऐसा गौहर अली खान ने बताया, जो इमरान खान के साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उनके साथ थी। और यही नहीं, रेंजर्स ने इमरान खान के खिलाफ पेपर स्प्रे का भी यूज किया, ऐसा इमरान खान के वकील ने बताया। जहां इमरान खान को अरेस्ट किया गया वहां कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था। इमरान खान की उम्र करीब 70 वर्ष है और पॉलिटिशियन से पहले वो क्रिकेट खेलते थे। अप्रैल 2022 में उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया और उसके बाद वह जल्द चुनाव के पक्ष में राजनीतिक अभियान चलाए हुए हैं। इमरान खान के अरेस्ट के बाद पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन होने लग गए हैं, जिन्हें डिस्पर्स करने के लिए पुलिस टीयर गैस और वाटर कैनन का यूज कर रही है। इमरान खान ने आशंका जताई है कि पावरफुल आर्मी इमरान खान की हत्या कर देगी। वीडियो में देखा जा सकता है कि इमरान खान को पाकिस्तानी रेंजर्स जबरदस्ती धक्के देकर ले जा रहे हैं।
ये पाकिस्तानी रेंजर्स आर्मी के अंडर में काम करते हैं। इमरान खान के अरेस्ट के विरोध में पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि इमरान खान ने 7 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज का फ्रॉड किया है। इमरान खान के अरेस्ट से कुछ घंटे पहले ही इमरान खान को कई केसेज में इंटरिम बेल मिल चुकी है। विरोधी राजनीतिक पार्टियों ने कहा है कि इमरान खान को उसके किए की सजा तो मिलेगी ही, इमरान खान कानून से ऊपर तो नहीं है। इस बारे में आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं? जबकि इंडिया में देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कितना भाईचारा है। जो अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने से पहले कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, सत्ता में आने के बाद उन्होंने कांग्रेस का क्या बिगाड़ा? जो बीजेपी सत्ता में आने से पहले कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसती थी, उस बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद कांग्रेस का क्या बिगाड़ा? कुछ भी तो नहीं। जो लोग सत्ता में आने से पहले कालाधन लाने की बात करते थे, क्या वो कालाधन लेके आ गए? कहाँ आया? जैसा इमरान खान के साथ पाकिस्तान में हुआ है, क्या आपको लगता है ऐसा अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हो सकता है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के परमाणु बम सुरक्षित हाथों में हैं? क्या आपको लगता है कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? आपके इस बारे में क्या विचार हैं? अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। हमें ईमेल करें plausindexing@gmail.com। हम आपका इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट करना चाहेंगे। यदि आप एडवोकेट हैं तो हमें बताइए ऐसी कंडीशन में आप क्या करते। यदि आप पॉलिटिशियन हैं तो हमें बताइए ऐसी कंडीशन में आप क्या करते। यदि आपके देश में ऐसा हो तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। यदि आप एडवोकेट होते तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते। यदि आप एडवोकेट होते तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते। क्या इस वीडियो को देखकर आपको जवाहरलाल नेहरू के जीप घोटाले की याद आ रही है, या राजीव गांधी और बोफोर्स की याद आ रही है? हमें भी बताना, हम आपका इंटरव्यू करना चाहेंगे। आपके उत्तम विचारों को ऑनरेरी डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।